So, hello guys. So, I think I'm on a channel, Mr. Ramdabi Sports. Jump with that football set aside, transfer is a transfer rumors. The Surukatash video, Panakas, Derekat, Subsequent Bath Kalate, Hero, ISL Kabade Me, to ISL Makalta match, Mumbai FC versus FC Goa, semi final, second leg, and Mumbai FC ne ye match. पेनल्टी में सडन डेथ में 6-5 से जीत लिया है एंड एक कमाल का मैच में बोलूंगा एंड डेफिनेटली ये साल एक कमाल का साल रहा है एफसी गोवा के लिए एंड शायद वो ये मैच हार चुके बट इस मैच में अगर मैं बोलूं 120 मिनट तक किसी टीम ने डोमिनेट किया था वो था एफसी गोवा एंड ये मैच डेफिनेटली लग रहा था कि एफसी गोवा वर्सेस अमरिंदर सिंह है क्योंकि अमरिंदर सिंह ने जो वर्ल्ड क्लास लेवल के सेव्स किए इस मैच में वो कमाल का था एंड मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि 120 मिनट के बाद जब रेफरी ने फाइनल विसल ब्लॉक कर दिया था उसके बाद क्या कोई गोलकीपर को चेंज किया जा सकता है या फिर कोई भी प्लेयर को चेंज किया जा सकता है ये मुझे नहीं पता इंटरनेशनल में तो ये अलाउ नहीं है अब इंडियन फुटबॉल में ये अलाउ है या नहीं इसको लेके ज्यादा कुछ पता नहीं है बड़ा जो भी हो कांग्रेचुलेशंस टू मुंबई एफसी फॉर रीचिंग द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री एंड डेफिनेटली इस साल मुंबई एफसी का जैसा परफॉर्मेंस है तो वो डिजर्व तो करते हैं फाइनल में जाना बट हां एफसी गोवा के लिए भी ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीजन रहा है एंड डेफिनेटली एक पूरा नया टीम था जोआन फेरांडो ने उस टीम को एक प्रॉपर सजाया एंड प्लेऑफ तक लेके गए ये कोई छोटा चीज नहीं है क्योंकि मुंबई एफसी का टीम शायद नया है बट ऑलमोस्ट उस टीम में बहुत सारे फॉर्मर एफसी गोवा के लास्ट सीजन एफसी गोवा के प्लेयर्स है तो कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ था सर्जियो लोबेरा को थोड़ा सा टीम तो सेट करना ही पड़ता है बट एफसी गोवा का टीम पूरा ही नया था सो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया सीजन एफसी गोवा के लिए एंड अभी एफसी गोवा का नेक्स्ट टूर्नामेंट है एएफसी चैंपियंस लीग एंड देखने लायक है कि एफसी गोवा का परफॉर्मेंस एएफसी चैंपियंस लीग में कैसे रहता है एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है आपको फुटबॉल देखना और फुटबॉल मैचेस को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड रिसेंटली मुझे एक कमाल का फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है माई 11 सर्कल एंड आपको तो पता है कि माई 11 सर्कल में फैंटेसी फुटबॉल खेलना इतना ज्यादा इजी है आपको बस 11 प्लेयर्स को चूज करना है फ्रॉम आइदर ऑफ द टू प्लेइंग टीम्स एंड आपको अपना खुद का टीम बनाना है एंड आप सबको पता है कि फुटबॉल पूरी दुनिया में कितना ज्यादा फेमस है एंड पूरी दुनिया में ये स्पोर्ट्स खेला जाता है चाहे वो इंग्लैंड हो स्पेन हो जर्मनी हो एंड इवन इंडिया में भी ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है एंड इस ऐप का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप फैंटेसी फुटबॉल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिशन में घर बैठे बैठे ऑल्सो इंडियन फुटबॉल लीग के लिए इनके पास 4 टाइम से लेके 8 टाइम्स तक कॉम्पिटिशन चल रहा है जहाँ पे आप 4 गुना से लेके 8 गुना तक जीत सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माई 11 सर्कल की आपके जितने भी विनिंग्स है वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में एंड ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है एंड ये कुछ विनर्स है जिन्होंने माई 11 सर्कल खेल के करोड़पति बने सब किस बात का वेट कर रहे हो डाउनलोड करो ये ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा एंड मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल एंड ऑल्सो आपको 1500 रुपए का एक बोनस मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क तो अब हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में तो आज का जो मैच है वो एटीके मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट 200 एफसी का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड एटीके मोहन बगान का जो लास्ट मैच था उसमें मैं बोलूंगा एटीके मोहन बगान ने एक डोमिनेशन दिखाने का ट्राई तो किया था बट अटैक कंप्लीट हो नहीं रहा था एंड डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल मैच क्योंकि कल का मैच बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है एंड ये भी मैच एग्रीगेट में 1-1 था तो इस मैच में भी हम लोग पेनल्टी देख सकते हैं बट हाँ कुछ बोला नहीं जा सकता कि ये मैच कौन जीतेगा एटीके मोहन बगान या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शायद देखते क्या होता है सुरेश बेंगलुरु एफसी की तरफ से तो बेंगलुरु एफसी अपना एएफसी कप का प्लेऑफ खेलेंगे बेंबोलिम गोवा में एंड बेंबोलिम के जीएमसी बेंबोलिम स्टेडियम में वो लोग खेलेंगे अपना एएफसी कप का प्लेऑफ एंड ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है सुरेश जेरार्ड नस को लेके सो जेरार्ड नस ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये खुद ही बोला कि वो डेफिनेटली इंडिया में वापस आना चाहते क्योंकि उनको ज्यादा कुछ एक्सपोजर मिला नहीं इंडिया में एंड उन्होंने जितना भी दिन नॉर्थ ईस्ट को कोचिंग करवाया मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब कोचिंग करवाया है कोचिंग उन्होंने अच्छा ही करवाया था हाँ खालिद जमील के अंडर नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस जेरार्ड नस से काफी ज्यादा बढ़िया है बट हाँ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जेरार्ड नस के अंडर नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था या फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं था उनके अंडर भी नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था हम लोग एक चीज बोल सकते कि एक पीरियड तक जेरार्ड नस के अंडर नॉर्थ ईस्ट ने बहुत सारे
ड्रॉ किए। बट हाँ, हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि जेरार्ड नस ने बहुत सारे मैचेस अनबीटन रहे थे, अब ड्रॉ हो जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली जेरार्ड नस इंडिया में वापस आ सकते हैं एंड आईएसएल में वो वापस आ सकते हैं। अब कौन से टीम के कोच होंगे ये तो देखने लायक होगा। मेरे हिसाब से उड़ीसा एफसी के कोच वो हो सकते हैं क्योंकि जेरार्ड नस यंग कोच है एंड उन्होंने अपना फुल टैक्टिक्स प्रॉपरली दिखाया भी नहीं है क्योंकि उनको उतना मौका ही नहीं मिला एंड टीम को सेट करने में भी एक टाइम लगता है। सर देखते क्या होता है। इंटरनेशनल आज बार्सिलोना, तो बार्सिलोना ने अपना नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है एंड बार्सिलोना के नए प्रेसिडेंट है जुआन लापोर्ता। तो जिनको नहीं पता जुआन लापोर्ता कौन है, तो जुआन लापोर्ता इससे पहले भी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट रह चुके। 2003 से 2010 तक वो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट थे एंड मेरे हिसाब से वो बार्सिलोना का एक गोल्डन एज था। एंड जुआन लापोर्ता ने बेसिकली तीन प्रॉमिस किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते तो सबसे पहले तो वो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन 100% करेंगे एंड उन्होंने ये भी बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बनता तो आप ये समझ लो कि मेसी बार्सिलोना छोड़ के कोई दूसरे क्लब में चला जाएगा। एंड दूसरा उन्होंने यही बोला था कि वो अर्लिंग ब्रॉड हलांड को बार्सिलोना में लाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड थे अर्लिंग ब्रॉड हलांड के प्लेइंग स्टाइल से एंड डेफिनेटली अर्लिंग ब्रॉड हलांड बहुत अच्छे प्लेयर है एंड इसको लेके कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। बड़ा अर्लिंग ब्रॉड हलांड को क्या बार्सिलोना अपने टीम में ला पाएगा या नहीं, इसको लेके डेफिनेटली क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि अर्लिंग ब्रॉड हलांड के ऊपर इतने सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है। ऑलमोस्ट यूरोप के जितने भी टॉप क्लब्स है वो सब इंटरेस्टेड है अर्लिंग ब्रॉड हलांड के ऊपर। बट हां, देखते कि क्या अर्लिंग ब्रॉड हलांड बार्सिलोना में आते या नहीं। एंड तीसरा उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो ये था कि अगर वो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो मिकेल आर्टेटा को बार्सिलोना का कोच बनाएंगे एंड कोमैन को वो हटा देंगे एंड क्योंकि जुआन लापोर्टा के हिसाब से मिकेल आर्टेटा इज अ बेटर कोच देन कोमैन। अब ये उनका ओपिनियन है एंड मेरे हिसाब से हां, मिकेल आर्टेटा अच्छे कोच तो है क्योंकि आर्सेनल का जैसा टीम है एंड उस टीम के साथ भी मिकेल आर्टेटा का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है एज अ कोच। तो डेफिनेटली मिकेल आर्टेटा बार्सिलोना में आ सकते हैं एंड हम लोग को एक चीज भी याद रखना पड़ेगा कि आर्सेनल का जो टीम का कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऑफ फॉर्म प्लेयर्स है, बहुत सारे थोड़े से ओल्ड प्लेयर्स है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस एक टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा था मैं मानता हूँ, बट रीसेंट परफॉर्मेंस मैटर करता है प्रीमियर लीग जैसे जगह में। एक्सपीरियंस है बट उनको मार्किंग करना बहुत ज्यादा ईजी होता है किसी भी डिफेंडर के लिए। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मिकेल आर्टेटा काफी बढ़िया ऑप्शन है एंड मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया डिसीजन अभी के लिए बार्सिलोना के लिए कि जुआन लापोर्टा को उन्होंने नया प्रेसिडेंट बनाया है। एंड देखने लायक है कि जुआन लापोर्टा के अंडर बार्सिलोना कौन से बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। यूएफए चैंपियंस लीग को लेकर, यूएफए चैंपियंस लीग में आज दो मैचेस है एंड पहला मैच का हम बात करें तो वो एफसी पोर्टो वर्सेस जुवेंटस एंड इसके फर्स्ट लेग में एफसी पोर्टो ने एक्चुअली जुवेंटस को 2-1 से हरा दिया था। बट हाँ, ये सेकंड लेग है एंड जुवेंटस इस बार और भी ज्यादा अटैक करेगा एंड एकदम अपना फुल पोटेंशियल के साथ जाएगा इस मैच में एंड जुवेंटस इस मैच में काफी बड़ा अपर हैंड रखता है। बट हाँ, कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि यूएफए चैंपियंस लीग में कुछ भी हो सकता है क्योंकि नॉकआउट स्टेज है, नॉकआउट स्टेज में कुछ भी हो सकता है एंड एफसी पोर्टो भी ये मैच जीत सकता है, मतलब ओवरऑल ये मैच जीत सकता है। शायद ये मैच एफसी पोर्टो ट्राई करेंगे कि वो 0-0 में रोक ले एंड ये गोललेस मैच चाहेगी एफसी पोर्टो क्योंकि एफसी पोर्टो को डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में जाना है एंड जुवेंटस को भी नेक्स्ट राउंड में जाना है। सर देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है। सो अब हम बात करते हैं आज के दूसरे यूएफए चैंपियंस लीग के मैच के बारे में, तो वो बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस सेविला एंड ये मैच फर्स्ट लेग में बहुत ज्यादा क्लोज हुआ था। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने ये मैच 3-2 से जीत लिया था एग्रीगेट में एंड डेफिनेटली सेविला इस मैच में अपना 100% जाएगी क्योंकि उनको अगर नेक्स्ट राउंड में जाना है तो ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड बहुत ज्यादा क्लोज होने वाला ये मैच मुझे ऐसा लगता है। सर देखने लायक होगा कि ये मैच कौन जीतता है, बोरुसिया डॉर्टमुंड या फिर सेविला। सो गाइस, आज के इतना एंड हां, माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। सो डेफिनेटली माय 11 सर्कल को चेकआउट करना। सो बस गाइस, आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।